नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube पेज पर। और आज हम बात करेंगे व्हाट आर फीमेल लेड रिलेशनशिप्स। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि ऐसे संबंध जहां प्रेमिकाएं प्रमुख डिसीजंस लेती हैं और वो संबंध को प्रधान तरीके से चलाती हैं। अब सबसे पहले यहां हमें समझना होगा कि हर रिलेशनशिप, हर संबंध अपने आप में यूनिक होता है। आपके माता पिता का रिलेशनशिप अलग है, आपके पड़ोस में रहने वाली अंकल और आंटी का रिलेशनशिप अलग है, आपके क्लासमेट और मे बी उसके बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप अलग है, और सारी प्रेम कहानियाँ अलग अलग तरीके से होती हैं। अब हम समझते हैं कि ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर प्रमुख रूप से जो प्रेमिकाएं होती हैं या जो फीमेल होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो रिलेशनशिप चलाती हैं। अब रिलेशनशिप चलाने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रमुख जो डिसीजंस होते हैं वो स्त्रियां लेती हैं। अब सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि ये रिलेशनशिप्स किस टाइप की होती हैं और किस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। अब ये एक उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो मान लीजिए कि आज एक कपल है, उसे डेट पर जाना है, तो हो सकता है रेस्टोरेंट कौन सा होगा, किस जगह होगा और किस समय पर होगा, ये सारे डिसीजंस स्त्रियां ले रही हैं या जो फीमेल है वो ले रही हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण था। तो इस छोटे से उदाहरण से लेकर जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो जहाँ पर स्त्रियाँ लेती हैं, जहाँ फीमेल लेती हैं और जहाँ प्रमुख तरीके से वो अपनी भूमिका निभाती हैं, वो होती हैं फीमेल लेड रिलेशनशिप्स। अब हमें समझना होगा कि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि हम एक पुरुष प्रधान समाज हैं, बहुत ज़्यादा पितृसत्तावाद है हमारे समाज में और ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो पुरुष लेते हैं। तो ऐसे में जो फीमेल लेड रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ यूनिक है और वो कहाँ हटकर खड़ी होती हैं। तो हमने देखा होगा कि कई बार घरों में कहा जाता है कि हमारी तो भैया गृह मंत्री, हमारी होम मिनिस्टर हमारी पत्नी जी हैं या आपकी माता जी हैं या आपकी दादी जी होती हैं। तो ये एक उदाहरण है फीमेल लेड रिलेशनशिप्स का। अब जब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम पुरुष प्रधान एक समाज में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी कई जगह हमने देखा है कि महिलाओं को घर का मंत्री या गृह मंत्री या पूरी बागडोर, आज क्या बनेगा, कौन क्या पहनेगा, किस तरीके का सामान घर में आएगा और बहुत सारे जो फाइनेंसेस वाले डिसीजन होते हैं वो भी महिलाएं बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो हमें समझना होगा कि ऐसा महिलाएं क्यों करती हैं, और कई जगह ऐसा देखा जाता है कि उन्हें कहा नहीं जाता है लेकिन फिर भी अपने आप से, क्योंकि उन्हें लगता है। अब इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक जो फीमेल नेचर होता है, जो प्रकृति के हिसाब से कि महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत भावनात्मक होती हैं और वो चीज़ों को बहुत ही परफेक्शन के साथ करना चाहती हैं। तो ये तभी हो सकता है जब वो डिसीजन मेकिंग में भाग ले रही हैं, जब वो खुद चुन रही हूँ कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, कल ये होना चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि जो स्त्रियाँ होती हैं या जो औरतें या महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही मल्टीटास्किंग होती हैं, वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकती हैं और बहुत अलग तरीके से रचनात्मकता, जो हम क्रिएटिविटी कहते हैं, वैसे सोच सकती हैं। तो ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है कि जो फीमेल लेड रिलेशनशिप्स आखिर क्यों एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें कि किस प्रकार की हो सकती हैं और जो हम कहते हैं कितने टाइप्स की, तो ये तीन प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल और साधारण तौर पर हो सकती हैं, जहाँ बहुत ही कम रूप में ये हों और ना भी हों। तो इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि फीमेल्स डिसीजन ले रही हैं लेकिन साथ में वो जो अपने मेल काउंटर पार्ट हैं या जो पुरुष हैं घर में या जो उनके रिलेशनशिप में, उनसे भी बहुत ज़्यादा पूछती हैं, उनकी राय लेती हैं। अब दूसरा प्रकार होता है एक मीडियोकर, जो बहुत ही मध्यम सा। तो हमें यहाँ समझना होगा कि यहाँ पर फीमेल डिसीजन लेती हैं लेकिन हाँ वो पुरुष की क्या राय है या वो क्या बोलना चाहते हैं, ये भी होता है। फिर एक तीसरा होता है जहाँ प्रमुख रूप से सिर्फ जो फीमेल काउंटर पार्ट या जो स्त्रियाँ होती हैं वही डिसीजन लेती हैं और बहुत ही ना के बराबर या नहीं ही कोई से होता है पुरुषों का। तो ये होते हैं प्रकार। तो इस तरीके की कुछ होती हैं फीमेल लेड रिलेशनशिप। अब ये तो हमने इस बारे में बात की, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
इसका जवाब तो एक कपल या उसमें जो रिलेशनशिप में लोग हैं वही डिसाइड कर सकते हैं। अब एक कारण ये भी है कि जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब महिलाएं डिसीजन ले रही हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि हमारी जो माएँ होती हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी, हमारे डिसीजंस लेती हैं, तो अगर आगे चल के हमारी प्रेमिका भी हमारे डिसीजन में मदद कर रही है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और एक तरीके से हम फ्री हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे महिलाएं होती हैं, उसकी माँ, बहन, उसकी पत्नी, तो पुरुष भी चाहते हैं कई बार। और ये एक जिम्मेदारी शेयर करना भी हो गया, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में ऐसी मेंटालिटी है कि पुरुषों के कंधे ऊपर ज़्यादा बोझ रखा जाता है, तो ऐसे में जब जो स्त्रियाँ होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, जब वो ज़्यादा डिसीजंस लेती हैं तब वो ज़्यादा पुरुष भी खुश होते हैं। अब हमें समझना होगा कि क्या ये सही है या नहीं, तो ये एक कपल पर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या लगता है, लेकिन अगर हम एक जनरलाइज्ड पॉइंट से समझें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैलेंस हो, ठीक है। तो जो हमने मध्यम वाले उसकी बात की, प्रकार की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तालमेल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और सबकी एक राय होती है, तो किसी पर भी अपनी राय थोपना नहीं चाहिए, और हमेशा जहाँ बातचीत से एक निष्कर्ष पे पहुँचा जा सकता है वहाँ पर हमें अपनी प्रधानता या अपनी प्रभुता नहीं दिखानी चाहिए। तो यही था आज के वीडियो में, और आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, कि क्या महिलाओं को प्रमुखता से भूमिका निभानी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, या फिर एक बैलेंस होना चाहिए, या फिर क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, एक पुरुष प्रधान सोसाइटी में, तो क्या सिर्फ पुरुषों को होना चाहिए, या माँ बाप का या जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी कुछ से होना चाहिए हमारे रिलेशनशिप में। तो आप हमें बताएं, और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और जुड़े रहें ऐसे ही वीडियोस के साथ। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पर और वीडियोस चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।